तुम्हारे पापा ने गलती कर दी चैतन्य। मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हो सकती। अगर मेरी मम्मी को पता लगा तो आज के बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मुझे जाना होगा। अनु, अनु, मेरे फंक्शन में आकर मेरी बेइज्जती की, मैं इस कमीने को। है कहाँ वाश भाई? जी सर। फोन लगा, कमिश्नर को फोन लगा और मुझसे बात करवा। हेलो, अभी उसे अरेस्ट। हेलो, कमिश्नर आपके दोस्त होंगे पर सीएम उनकी जेब में है। आखिर ये शैलजा रेड्डी है कौन? बेटा, उससे प्यार करने से पहले तुम्हें पता लगा लेना चाहिए था कि उसकी माँ कौन है, वरना वो ऐसे नहीं चली जाती। तो फिर बताओ ना कौन है वो, उसके बाद देखता हूँ मुझे क्या करना है। तो सुनो, अगर कोई भी उस औरत से टकराता है तो वो उसे पूरी तरह तबाह करने की ताकत रखती है। उनका नाम है शैलजा रेड्डी। तो बात यह है कि कोई उसके गुरूर को तोड़ेगा तो वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। आपका ईगो तो आपने मनाया है, पर उसका ईगो जेनेटिकल डिसऑर्डर है, खानदानी है, बीमारी है। यस, यहाँ तक कि उनके पूरे गांव में उनकी इजाजत के बिना कोई शादी भी नहीं कर सकता। जरा सोचिए, आपने तो उनकी बेटी की ही शादी उनकी इजाजत के बिना तय कर दी है, अब तो भगवान ही मालिक है। हाँ, एक और बात, इस फंक्शन में आपने मुझे इसलिए बुलाया था ताकि आपका ईगो सेटिस्फाई हो सके, पर ईगो सेटिस्फाई हुआ मेरा। थैंक यू। 25 तारीख याद रखिएगा। वाजपेयी फोन लो। जी सर, क्विक, अभी दिखाता हूँ। पापा बस कीजिए, बहुत हुआ। क्या है? बहुत किया आपने, अब इस बात को और मत बिगाड़िए। शांति अपने बॉयफ्रेंड से शादी नहीं कर पाई क्योंकि आपने उसके परिवार वालों का अपमान किया, लेकिन अब मुझसे मेरी अन्नू को मत छीनिए प्लीज। फोन नहीं उठा रही है। बेन, चैतन्य साहब सवेरे से 10 बार कॉल कर चुके हैं, बात करो ने। बस बस बात करो। हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तुम्हें लगा मैं तुम्हें इतनी जल्दी भूल जाऊंगा, तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? गलती से ही सही, लेकिन अब हमारी सगाई हो चुकी है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो गया है। बकवास बंद करो। अनु, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम कुछ ही देर में तुम्हारे गांव वारंगल पहुंचने वाले हैं। मैं तुम्हारी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ को किसी भी तरह कन्विंस कर लूंगा। तुम यहाँ आ रहे हो, मेरी मम्मी को जानते हो ना? अनु, मैं तुम्हारी मम्मी को सब अच्छी तरह से समझा दूंगा, मैं उनसे माफी मांगूंगा, चाहो तो रिक्वेस्ट कर लूंगा, किसी भी तरह उनके गुस्से को ठंडा कर दूंगा। मुझे नहीं लगता मेरे दिल की बात सुनने के बाद वो मुझे मना कर पाएंगी। अगर कुल्हाड़ी पर ही सर मारना चाहते हो तो आ जाओ। ओके। ए, लगे चे जंग लड़ने जा रहे हैं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? देख लेना, उन्हें मैं इतना पसंद आऊंगा कि खुशी खुशी शादी करवा देंगी। अपनी आवाज जरा नीचे रखो, उन्हें पता चल गया ना तो तुम्हें जान से मार देंगे। ऐसा क्या मतलब? तुमने सगाई का भांडा फोड़ दिया? बताया होता तो तुम लोग जिंदा नहीं होते, वो कभी माफ नहीं करती। तो इसका मतलब तुम्हारी मम्मी को नहीं पता कि कल रात क्या हुआ था? रुक जा अनु, रुक जा अनु, अनु, अनु मेरी बात तो सुन। मम्मी को आज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अगर आपने उन्हें बताया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, आपको मेरी कसम है। मामा जी, वादा कीजिए मुझसे। ऐसा फिर मत करना अनु, तुम जो कहोगी वही होगा। प्रॉमिस, प्रॉमिस। अगर वो सच नहीं जानती तो उन्हें हम बता देंगे, उसके बाद वो करेंगे भी क्या? फिर मेरे जैसी हालत हो जाएगी। 5 स्टार में शेफ था मैं, अब कर्ची लेकर खाना बनाता हूँ। नाइस टू मीट यू सर। तन्ने शैलजा अम्मा को पहचानते नहीं हो? ओके, क्या अगर अट्ठे होती तो मरी गयो। क्या हुआ अम्मा? तो इसमें डरना क्या है? कह दो हम तुम्हारे दोस्त हैं। चुप करो, इससे पहले कि मम्मी तुम्हें यहाँ देख ले जाओ यहाँ। अरे क्यों जाए, दिल वाले आए हैं, दुल्हनिया लेके ही जाएंगे। मानिकराज जी, कहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है। बेटी, लड़का मी के लिए नहीं, यू के लिए ढूंढा है।
जानती हूँ, अब इन सब की आदत हो गई है। लड़का क्या करता है? मैं बताता हूँ बेटा, लड़का बहुत रिच है और इसी घर में हाइड है। मानिकराज, जोक था मैडम, उनको लफा रहा था पर वो लाफती नहीं है। क्या बंडल जोक मारता है? लड़का एक डॉक्टर है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने उसे लड़की देखने के लिए बुला लिया है, पर इसकी जोड़ी उसके साथ जमनी चाहिए ना, जैसे मेरी तुम्हारी। वो सब शादी के बाद भी हो सकता है। तुम बीच में मत पड़ो वेनू, चुप रहो। मैं कहाँ बीच में पड़ रहा हूँ? पापा सही कह रहे हैं, उससे शादी मुझे करनी है, इसलिए मुझे पसंद आना चाहिए। अंडरस्टैंड मैडम, वो ऐसा होना चाहिए जो हमेशा आपकी सेवा करता रहे, ऐसा रिलेशन जैसा इस घर में। आपके पापा जैसा बिना सैलरी लेने वाला पति आजकल बहुत कम मिलता है ना, पर हम सर्च करेंगे। नॉट टू मानिकराज। बिग मैडम, मैं तो स्मॉल मैडम के मूनलाइट चेहरे पर केवड़े का फूल खिला रहा था, आई मीन उसको लफाने की कोशिश कर रहा था, पर वो लाफती थी। तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है, वो चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। मानिकराज, मैं लड़का खुद पसंद कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं, लड़का मैंने चुन लिया है। मानिकराज, एक काम करते हैं, पहले मैं उससे मिल लेती हूँ, उसके बाद डिसाइड कर लूंगी। सर, आ तो तमही चुन से ना। मारो लड्डू। ए, अब संजय पूरे महीने का राशन तू ही खत्म करता है, हराम का लड्डू पचेगा नहीं। एक और डालता हूँ। लड्डू पे लड्डू निकल रहे, हलवाई की दुकान खोलने वाला है क्या? अब अगर एक भी लड्डू निकला ना तो वही लड्डू मैं तुम। अब गलत समझ रहे हैं। एक और फेंको क्या? मानिकराज, तुम्हारी अलमारी में डायमंड नेकलेस रखा है, देखकर बताओ कैसा लगा, क्योंकि मुझे पैसे देने हैं। पर कुर्ते पे अच्छा नहीं लगेगा। गधे, जब अकल बट रही थी तू क्या छुट्टी पे था? शैलजा जी, अगर आप खुद यह हार उसे पहना दे तो उसे अच्छा लगेगा। जिस दिन वो मेरी बात मानने लगेगी उस दिन मैं उसे हार पहनाऊंगी। हाँ बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम और तुम्हारी माँ ठीक से बात क्यों नहीं करते? समझ में नहीं आता बीच में मानिकराज की क्या जरूरत है। हम पिछले 5 सालों से बिल्कुल इसी तरह बात कर रहे हैं। इस गांव में सभी मेरी माँ की इज्जत करते हैं, वो जो भी कहती हैं यहाँ के लोगों के लिए हुक्म बन जाता है। उन्होंने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा। इकलौती बेटी होने की वजह से मैं भी अपनी माँ की ही तरह थी। हम दोनों को देखकर लोग कहा करते थे कि ये दोनों तो बहनें जैसी लगती हैं। एक दिन एक छोटे से झगड़े की वजह से हम दोनों के रिश्ते के बीच अचानक एक दरार आ गई। मुझे इन सब चीजों के लिए फोर्स मत कीजिए। क्या तुम अपनी मर्जी चलाओगी? मैं नहीं मानने वाली। अनु बेटा, देखिए ना, मैं आर्ट चैंपियनशिप में फर्स्ट आई हूँ। कब तक इससे बात नहीं करोगी? जब ये डॉक्टर बनेगी। ओ, तो आप अच्छे। गुड जॉब अनु, एक्सीलेंट। बॉस, रास्ते का कांटा साफ हो गया। और नहीं तो क्या, तुम तो उनसे पिछले 5 सालों से कोई बात नहीं कर रही हो, तो तुम दोनों की शादी से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा तो भी वो कुछ नहीं बोलेंगी। बेवजह का टेंशन लेने से अच्छा है बीजा ने टेंशन में डाल दो। 30 साल बाद भी मुड़ के देखोगी तो यही म्यूट टेलीविजन दिखेगा, इसलिए चिंता छोड़ो और सुख से जियो। एक दिन खुद ही मस्का मारने आ जाएंगी, तब तुम भाव खा लेना। बुढ़िया ही तो है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें बुढ़िया कहने की? वो चाहे जैसी भी है मेरी माँ है, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनकी बुराई नहीं सह सकती। चैतन्य, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। अब उनकी खामोशी मुझसे और नहीं सही जाती, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ अनु, इसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानो। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को जरूर मिलाऊंगा, और जब तक वो तुमसे बात नहीं करेंगी मैं उन्हें हमारे बारे में भी नहीं बताऊंगा। जब तक ऐसा नहीं होता शादी नहीं करेंगे। ओके?